उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रही शारदीय कावड़ यात्रा अंतिम चरण में है। कल महाशिवरात्रि पर्व है, जिस कारण हरिद्वार में भारी संख्या में कावड़िये गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, साथ ही भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान का लागू कर दिया गया है, जिससे हरिद्वार आने वाले कावड़ियों और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सिटी SP स्वतंत्र कुमार का कहना है कि कल महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जाएगा, इस कारण दो दिन भारी संख्या में कावड़िया हरिद्वार आ रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे द्वारा रूट डायवर्जन भी किया गया है। मेला क्षेत्र में हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। जलाभिषेक जल चढ़ेगा 8 तारीख को शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जब जल चढ़ेगा, तो आज और कल बस दो दिन कांवड़िये जो जल उठाने यहाँ पे आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको देखते हुए डाइवर्जन भी किया गया है और बाकी सारे सुरक्षा के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि रात्रि में जो हमारे कांवड़िये आते हैं वो रसिया बढ़ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे सोते हैं, तो वहाँ पे लाइट का बेहतर प्रबंध करवाया गया। प्रशासन के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, NHI से भी हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जो कंपनीज वहाँ पे कार्य कर रही हैं उनसे भी अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो अगर कोई समस्या आ रही है तो तत्काल उसका निवारण भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो पार्किंग है वो 4.2 से नीलधारा के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। जो कांवड़िये आ रहे हैं वो लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ पर पार्क करके उसके बाद जल उठा रहे हैं। जो हमारी फोर्स है उसको, जो हमारे बोटल नेक्स हैं वहाँ पर पर्याप्त डिप्लॉयमेंट किया गया है। PAC का भी डिप्लॉयमेंट हुआ है, प्लस सिटी से जितनी फोर्स अवेलेबल की कराई जा सकती थी वो पूरी फोर्स अवेलेबल कराई गई है। देहात से भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, अभी तक कोई समस्या नहीं है।